ओम सुप्रभातम जी। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि पूर्वक इत्र शाम आइए हम इस अखंड प्रचंड पुरुषार्थ ब्रह्मचार्यता की पालन हेतु कुछ खास आसन लेकर आई है हमारी योग शिक्षिका बहन भगवती जी, मुस्कान जी, धर्मेंद्र जी और गोकुल जी, इनके माध्यम से। गर्दन बिल्कुल सीधे इस तरह स्टैंडिंग सही होना चाहिए, ये ठीक से ऐसे बैठना है। आगे मुस्कान जी और ये बैक से दिखा रही है बहन भगवती जी। इस आसन में कम से कम 2-2.5 मिनट आप बैठेंगे और ये अभी अभ्यास के तौर पे दिखाया जा रहा है। फिर ब्रह्मचार्य आसन का दोनों पैरों को विपरीत फैलाकर हम ऐसे रखेंगे। जैसे ये बाल योगी जी भी यहां पर दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से नमस्ते यह जी। हुआ 58 ब्रह्मचार्य आसन का दूसरा अभ्यास। अग्निहोत्र प्रवचन माला मानुभाव हम चर्चा कर रहे थे अब ये तीसरा बता रही है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन अब ये हमको ऐसे आसनों का अभ्यास बिल्कुल करना चाहिए से वीर रक्षण प्रबल होता है, संयमता बनी रहती है। ब्रह्मचार्य पालन में सहायक आसन है, इसको प्रतिदिन हमको इस अभ्यास को कम से कम 2.5 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट तक एक एक अभ्यास को इसको कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान रखते हुए इस अभ्यास को किया जाता है। वही अब एक बार पीछे से भी इसको हम दिखाएंगे आपको, इसके पीछे पोज क्या होना चाहिए इसका। इस प्रकार से यह अभ्यास करना चाहिए, करेंगे शीर्षासन ब्रह्मचार्य का। ये आसन बहुत ही उपयोगी है, आइए शीर्षासन करें। शीर्षासन का अभ्यास बहुत जरूरी है। तपस्विभ्यो अधिते योगी जानिभ्यो मतो अतोधिकः कर्मिभ्यो स्केव तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो ऐसे योगी जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आए आप भी इन आसनों को करें। ओम नमः।